पता नहीं है। नहीं दोस्त, आपको सब कुछ पता है। नो नो नहीं नो नो दोस्त, एक सेकंड दोस्त, दोस्त दोस्त को यार ये जो तंग करने में मजा आता है ना एक्सट्रीम। अभी दोस्त अपना जो है ना कार्टूनों वाला बूथा सवार लेंगे। आवाज आ रही है मुश्तबा मामा को तंग एक्सट्रीम का। हेलो माँ, दोस्त दोस्त, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मूफा नेशन। अभी जो है रैंडम प्लान बना, ये दोस्त जो है ना हमारा बड़ा शरारत है। वालेकुम अस्सलाम। ये पता ही दोस्त यार क्या चीज है, एक तो वीकेंड है, ऊपर से ना सैरी करने का तो प्लान था। क्या क्या है दोस्त, क्या चीज है, कार्टून है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल है कार्टून हमारे घर में। तो एक हमारे नाना नानी जो अल्लाह बख्शे थे हमारे, उन्होंने हमें एक तोहफा दिया है शगुफे के तौर पे। तो हमें जब भी इंटरटेनमेंट चाहिए होती है तो वो यहाँ पे हमारा दोस्त हमारे साथ होता है। दोस्त बड़ा अच्छा है, तो दोस्त का ना दिल कर रहा था कुछ खाने पीने का, तो दोस्त को ना हम बाहर लेके जा रहे थे। दोस्त आपका क्या खाने का दिल कर रहा था, जरा दोस्त यहाँ पे तो देखे ना। अभी दोस्त कुछ पता नहीं है। नहीं दोस्त, आपको सब कुछ पता है। नो, 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 नो। दोस्त एक सेकंड, दोस्त दोस्त को यार ये जो तंग करने में मजा आता है ना एक्सट्रीम। अभी दोस्त अपना जो है ना कार्टूनों वाला बूथा सवार लेंगे। चुप कर बे कुत्ते, ताकि जो है ना क्या मेक ऑन कर रही हैं आप। तो दोस्त ना अभी कार्टूनों वाला अपना बूथा सवार लेंगी, ताकि जो है ना नमूनी ना लगे। ये चेक करो भाई, दोस्त की सुर्खी पाउडर यहाँ पे लग रहे हैं। वाह जी वाह, मामा कार्टून तो ऑलरेडी है, आप इससे ज्यादा हो जाती है, तो इससे बेहतर ना बना करें। कीप शट योर माउथ। क्या बोली है? ओके, कीप शट योर माउथ। अभी बस जो है ना दोस्त बाबा वगैरह के साथ जो है बाहर निकलते हैं, देखते हैं। वीकेंड भी है, वीकेंड गया है, वीकेंड कल होगा, वैसे तो आज फ्राइडे था। वॉलेट उठा लूँ मैं अपना। और दोस्त के छोटे बेटे आप सुनाएं। दोस्त का वैसे डेली वीकेंड होता। क्या दोस्त का डेली वीकेंड? और दोस्त की ईद होती है ना, खाने का पता है ना, अफ्तारी का पता है। क्या कितना मर्जा क्या किसका कहर। हाँ? देखो खुद दिल कर रहा है ना, 12 बजे टाइम पहले दिखाओ, टाइम दिखाओ। 12 बज रहे हैं और दोस्त मेरा दिल करे मेरा टाइम मेरी मर्जी। तो भाई अभी दोस्त का जो है ना भूख लग रही है, फिर खाना खाना है दोस्त ने। अभी जो है बस बाबा साथ जो है बैठ गए हुए हैं, क्योंकि बाबा का दिल तो है खाने का मगर गाड़ी चलाने का मूड कोई नहीं है। दोस्त पीछे बैठा हुआ है, साथ में मुश्तबा भी है। गाड़ी आज मैं चलाऊंगा और वो भी सदर तक, बैरियर डाउन से सदर भी, ये समझ लो यहाँ से कितना बनता है, गुजरावाला यही हिसाब लगा लो अगर रश ना हो। अब यहाँ से निकलते हैं, फिर ना आप लोगों को वहां जाके ही मिलते हैं, कोई टिक्के तुक्के खाते हैं फिर। और जिस तरह कहा जाता है ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद, अभी हम लोग दोबारा से कैंट आ गए हैं सुरीला टिक्का पे। वो देखो अम्मा अब्बा कहाँ पे जाके जो है ना दरख्त के पास बैठ गए। मौसम जो है ना चेंज हो गया, तो आज जो है ना हमने कहा मच्छरों से बचने के लिए इस साइड पे नहीं बैठना चाहिए, हमें इस साइड पे बैठना चाहिए। अभी सेम एज यूजुअल 2-3 चीज़ें ऑर्डर करेंगे, मतलब इस दफ़ा ऑर्डर शायद डिफरेंट करें। चिकन टिक्का, बीफ टिक्का, उसके अलावा जो है ना मलाई बोटी वगैरह, वो सब कुछ ऑर्डर करेंगे। अभी जाके वहाँ पे बैठते हैं, फिर आप लोगों को ना मिलते हैं। सैरी कर ली थी वहाँ से जो है भाई, आधा पौना घंटे का सफ़र करके अभी बैरिया पहुँचे दोबारा से, और यहाँ से दूध ले रहे थे सैरी के लिए, क्योंकि दूध जो है ना हमारी जो दोस्त है उनको बहुत ज़्यादा अजीज़ है। और दोस्त को इस टाइम जो टिक्कों की खुमारी चढ़ी हुई है ना, दोस्त की आंखें बंद है। दोस्त 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 आप बेहोश क्यों हो रही हैं? अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। सारे रास्ते ये ऐसे सारे चुप होके आए हैं, और गाड़ी मैं चला रहा था 20 मिनट खामोशी से, बिल्कुल ऐसी खामोशी थी जिसकी कोई आदत नहीं कि मैं अकेला जैसे गाड़ी में बैठ के ना गाड़ी चलाता हुआ घर जा रहा हूँ। दोस्त की तो आंखें नहीं खुल रही हैं। दोस्त क्या करे, क्या भूख लग रही है? बोतल कहाँ से आप लेके दूं दोस्त? कोई चिली चुली से नहीं, नहीं नहीं दोस्त, कोई बोतल नहीं पीनी आपने, रमजान चल रहा है वैसे ही दोस्त। चुप कर बे कुत्ते, कोक। अच्छा गुड मॉर्निंग। अभी यार 12:30 हो रहे हैं, कोई आधा पौना घंटा पहले मैं सो के उठा, और यहाँ पे देखो दोस्त, दोस्त को देखो, दोस्त जो है गुस्सा होके बैठा हुआ है। ये हमें पता ही कोई नहीं है दोस्त गुस्सा में क्यों बैठा हुआ है। और दोस्त जो है ना वैसे भी दूध जामशीरी बना हुआ, और जो है ना दोस्त ने जामशीरी पीना है। जरा दोस्त दिखाएं, आपका जामशीरी पीने का दिल कर रहा था। व्हाट इज दिस, इसमें क्या डाला हुआ है दोस्त? हैं दोस्त, जरा जवाब ही दे दे, इसमें तुख मलंगा डाला हुआ है। अभी तो गर्मी आई नहीं है, तो आप तुख मलंगे क्यों पी रही हैं? बस यार दोस्त का क्या किया जाए, अभी कोई अता पता कोई नहीं। आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो मैं सोच रहा था कि अपने बालों की, जुल्फों की जो है ना ऑयलिंग वगैरह कर लें, क्योंकि यार तेल लगाना थोड़ा
फायदेमंद होता है बालों के लिए, तो आप लोग भी लगाया करो ऑयल वगैरह। अभी ऑयल लगाते हैं या लगवाना पड़ेगा ये मुझे आइडिया नहीं है। मामा मुझे ऑयल लगा देंगी? ये देखो यार दोस्त, सदा स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे इनकार दोस्त, बंदा वही होता है जो जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे। मगर दोस्त आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली चीज नहीं है ना, आप बीच में जो है ये वाली भी तो चीज है। दोस्त लगा दे यार ऑयल। मैं नहीं लगा सकती भाई एक हाथ से। क्यों नहीं लगा सकती? अल्लाह ताला ने आपको दो दो हाथ दिए हुए हैं मामा, दो दो हाथ दिए हुए हैं, क्यों नहीं लगा सकती? बाबा से को तुम लगा। नहीं नहीं आप लगा दे प्लीज। चलो यार मामा लगाना कोई नहीं है, खुद ही लगाता हूँ ऑयल। उसके बाद जो है ना शाम को अफतारी की तैयारी करेंगे। आज मामा अफतारी में क्या क्या बना रही है? नहीं दोस्त ये तो बताए ना क्या बना रही है अफतारी के लिए। पहले अभी ऑयल वगैरह लगा ले, फिर दोस्त के सामने जरा सेटिंग वेटिंग करते हैं। दोस्त का जो है पता नहीं क्यों मुंह बना हुआ है, मुझे लगता है दोस्त को कुट पड़ी है क्या पड़ा मुझे नहीं पता। नमाज तो पढ़ ली है मगर मैंने बालों को ऑयल नहीं लगवाया था, प्लान चेंज हो गया। अभी जो है जाना है नाना नानी के कब्रिस्तान, दादा दादी के कब्रिस्तान और मामा के पड़नाना नानी और मामा के नाना नानी के कब्रिस्तान भी जाना है, और वो है भी मजंग में। यहाँ से आप समझ लो साहिवाल जाने के बराबर है, अगर रश होता है ना तो ये हिसाब होता है। अभी ये देचका वगैरह भी गाड़ी में रखना है क्योंकि आगे दादों की बरसी आ रही है, उसके लिए जो है ना ख़त्म के लिए एक दो चीज़ें बनवानी है, तो ये ना उनको देना था अंकल को कि वो जो है ना इसमें खाना वगैरह बना सकें। अभी जो है दोस्त और सुनाए, दोस्त का मूड देखे, जब दोस्त को बाहर जाने की ऑफर आती है ना तो दोस्त बिल्कुल ठीक हो जाता है। अपने माँ बाप के कब्रिस्तान पे फातिहा पढ़ूंगी, आपकी अच्छा। दादा दादा है, मेरे नानी नाना है। अच्छा खुशी होती है ना? नहीं अब वो तो ठीक है मगर आपको मुझे लगता है गाड़ी के झूठों की ज्यादा खुशी होती है, है ना? अगर ड्राइवर आपको चाहिए ना किसी को तो कमेंट कर दे, वो ड्राइवर आपको मिल जाएगा, है ना? वैसे भी इनको गाड़ी चलाना या गाड़ी में बैठ के जो है घूमने की बड़ी खुशी रहती है। दूसरा बंदा ट्रैफिक में जलील हो रहा होता है बेशक। अभी जो है बस मियानी साहब पहुंचे हैं, यहाँ से फूल वगैरह ले रहे हैं और ये सारा कब्रिस्तान है। अब मैं तो मुझे इतनी नहीं प्रोमिनेंट तरीके से पता कि कब्र कहाँ पर है, मगर मैं वैसे ही बात सोच रहा था अभी आते हुए गाड़ी चलाते हुए कि यार जिनके भी जो भी वफात पा चुके हैं वो अपने कब्रिस्तान जाके ज़रूर फातिहा खानी करें, क्योंकि जो रूहें होती हैं उनको इंतज़ार ज़रूर होता है कि वो किसी निशानदेही मतलब कि उस जगह दफनाए गए होते हैं ना, तो उस जगह पे जाके बंदा कोई फातिहा कर ले, बस यही चीज़ होती है। क्योंकि आप यही चीज़ उनको दे सकते हैं ना, कोई आप गिफ्ट दे सकते हो ना आप कोई और चीज़ दे सकते हो, तो ये फातिहा जो चीज़ होती है ना ये उनके लिए गिफ्ट भी होता है, और जो एक्सपेंसिव गिफ्ट जो है ना बस यही चीज़ है। अभी बस है ना यहाँ पे हम लोग देख लें, उसके बाद नाना नानी के कब्रिस्तान जाएंगे, एंड पे दादा दादी के जाएंगे क्योंकि वही रूट हमारा वापस जाने के लिए। 3:15 जो है हो चुके हुए हैं, फिर आपको जो है ना मिलते हैं बारी बारी जो है ना जगहों पे जाके। वैसे जो है ना एक बात है कि हम लोग कहते हैं कि हमें ज़मीन चाहिए, हमें घर चाहिए लेविश किस्म के, और आखिरत इंसान की ये है, बस इतनी सी कब्र के अंदर हमने चले जाना है। और क्या 6-6.5 फुट की, और यहाँ पे जाके हमारा काम ख़त्म। ना एसी, ना गाड़ियाँ, ना एक्सपेंसिव घर, ना ही एक्सपेंसिव फर्नीचर, ना ही ब्रांडेड क्लोथ्स। कफन के अंदर आपने सीधा इस जगह के अंदर जाना। यार आप बात कर रहे थे एसी की, एसी ज़रूर मिल सकता है अगर हम अमाल अच्छे हों। क्या सबके लिए है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी है, सबके लिए भी है। अगर हमारे अमाल अच्छे हों तब जाके ये चीज़ होती है। पापड़ी के साथ पापड़ी अच्छा आप, और फ्रूट चाट भी 200 रुपये, 2 प्लेटें फ्रूट चाट कर लो, दही भले आप 3 प्लेटें करनी है, 3 प्लेटें दही भले कर लो, 5 पापड़ी कर लो, और समोसे किस तरह? समोसा बड़ा 70 का है सर, और छोटा 30 रुपये है। छोटा कौन सा कागजी? छोटा चिकन सब्जी मिक्स है, बड़ा आलू वाला है। नहीं समोसे तो कर लेते हैं, बस आप 3 प्लेटें दही भले, 2 फ्रूट चाट और 7-5 पैकेट पापड़ी, और लाल वाली चटनी ज़्यादा डलवाना। ये भाई अफतारी की तैयारी चल रही है क्योंकि हमें प्रेडिक्शन थी हम टाइम से घर पहुंच जाएंगे, मगर 5 इधर ही बचने वाले हैं, तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 6:05-10 हो जाएंगे, घंटा लग ही जाएगा यहाँ से, तो अफतारी तो हो नहीं सकती। और जो हमारी दोस्त डॉन है वो सो रही है, इतना थक गई है। क्या एक्टिंग कर रही है? क्या 2 फ्रूट चाट 3 दही बल्ले 5 जो है पापड़ी, तो अभी लाल वाली चटनी ज्यादा, मर्चों वाली चटनी 1-2 पैकेट फालतू करवा ली।
ये अभी ऑर्डर दे दिया हमने, घर जाएंगे अभी समोसे लेने हैं हमने रास्ते से, दादा दादी के कब्रिस्तान से होना है। हाँ प्रिंसेस, प्रिंसेस वेली मसरूफ रह रहे के थक गई है, ईद हो गई प्रिंसेस को, ना आज अफतारी बनानी पड़ी है ना कुछ और करना पड़ा है, और अभी देखो यार रश है कितना ज्यादा यहाँ पे हुआ हुआ। आवाज आ रही है मुश्तबा मामा को तंग एक्सट्रीम कर। हेलो माँ, दोस्त दोस्त बाबा की बेगम नहीं हिल रही, दोस्त नहीं हिल रही, मेनू तो बैन दी चुप करके। चुप कर पे कुत्ते, क्या बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा इस टाइम चंदा वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं उसको देने के लिए। वाह जी वाह, दो लग गया ना मुश्तबा मामा ने, याद रखनी है वो बात ईद तक, ईद तक। नहीं भाई रश जो है ना लगा हुआ, मैंने तो जो है ऑर्डर लाइन में लगने की बजाय वैसे ही कर दिया था, उसका रीजन ये है कि रश काफी ज्यादा है और चीज जो है ना वो वेटर के थ्रू अगर मंगवा लो तो वो इजीली मिल जाती है, घर बस चलते हैं 6 बजने वाले। माँ बाबा को घर इसलिए उतार दिया था कि एक आधा बंदे से बाबा ने मिलना था तो उनको घर उतारा है, अभी समोसे लेके घर चले जाएंगे, फिर आपको आज की जो है ना हम डाइनिंग टेबल टेबल जो भी है अफतारी दिखाते हैं कि अफतारी में क्या है, फिर आपको पता ही है व्लॉग को एंड कर देंगे। बस आज इतना सही व्लॉग था, फातिहा वगैरह की है, और वो जो चीज़ है ना यार वो आप लोग भी इम्प्लीमेंट करो, अगर कोई नहीं जा सकता तो घर में भी पढ़ा जा सकता है, नीयत तो अच्छी होनी चाहिए, इसके अलावा तो कोई चीज़ है या नहीं है। इंसान की जब नीयत अच्छी हो वो बेशक कब्रिस्तान जाके पढ़ ले या कब्रिस्तान नहीं जा सकता तो वो घर में पढ़ ले, तो वो नीयत से असल मतलब होता है कि आपका दिल और नीयत कितनी साफ है। अफतारी कर ली है और ये बस व्लॉग आज का इतना सही था, थैंक यू सो मच फॉर वॉच माई वीडियोस।